सीरिया में पिछले 27 नवंबर से शुरू हुआ गृह युद्ध अभी के लिए समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रपति के भागते ही लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुस गई और सामान लूट कर ले गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सीरिया से ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिसमें लोगों को राष्ट्रपति भवन के अंदर लूटपाट करते और हुड़दंग मचाते देखा गया। राष्ट्रपति भवन में घुसी भीड़ सिर्फ लूटपाट ही नहीं कर रही, बल्कि वहां महंगे सोफों पर बैठकर फोटो और सेल्फी भी ले रही है। राष्ट्रपति भवन में उमड़ी भीड़ ने पूरे प्रेसिडेंशियल हाउस में उत्पात मचा दिया। इन तस्वीरों ने हमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की याद दिला दी, जहां भीड़ ने इसी तरह लूटपाट मचाई थी। बशर अल असद का परिवार 50 साल से ज्यादा वक्त से सीरिया की सत्ता पर काबिज था। बशर के पिता हाफिज अल असद साल 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और अगले 29 सालों तक देश के राष्ट्रपति रहे। उनकी मौत के बाद बशर ने साल 2000 में सीरिया की कमान संभाली थी। सीरिया में विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने 27 नवंबर को अलेप्पो शहर पर हमला कर असद सरकार के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। हयात तहरीर अल शाम को अलकायदा का समर्थन हासिल है। 1 दिसंबर को अलेप्पो पर कब्जे के बाद विद्रोहियों ने यहां कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया था। अलेप्पो पर जीत के बाद विद्रोही लगातार आगे बढ़ते गए और उन्होंने 5 दिसंबर को दूसरे प्रमुख शहर हमा पर भी कब्जा कर लिया। हमा की जीत के बाद रॉकेट लॉन्चर के साथ विद्रोही लड़ाके ऐसे घूमते नजर आए जैसे कि ये कोई आम चीज हो। लगातार आगे बढ़ते विद्रोहियों ने 6 दिसंबर को दारा शहर पर भी कब्जा किया। 2011 में दारा से ही असद के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस शहर पर कब्जा होने के बाद राजधानी दमिश्क दोनों तरफ से घिर गई थी। दारा के बाद विद्रोही लड़ाकों ने 7 दिसंबर को होम्स पर कब्जा कर लिया। सीरियाई सेना ने इन्हें रोकने के लिए होम्स और हमा को जोड़ने वाले हाईवे को नष्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी वो विद्रोहियों को रोकने में नाकाम रहे। दमिश्क बेरूत हाईवे पर ड्राइव करते हुए लड़ाकों की तस्वीरें ऐसे वायरल हो रही है जैसे ऐसे घूमना इस देश में आम बात हो। 8 दिसंबर को दमिश्क पर कब्जे के बाद विद्रोहियों ने यहां सैन्य अदालत को जला दिया। लड़ाकों ने दमिश्क में कई जगह असद परिवार की निशानियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति और बशर अल के पिता हाफिज अल असद के स्टैचू को भी रौंदा गया। दमिश्क जीत के जश्न में विद्रोही सुल्तान पाशा अल अतरस के स्टैचू पर चढ़ गए। सुल्तान पाशा ने 1925 में फ्रांस के खिलाफ सीरियाई विद्रोह का नेतृत्व किया था। बशर अल असद के भागते ही आम लोग सड़कों पर आकर जश्न मनाते हुए भी देखे गए। राजधानी दमिश्क की सड़कों पर जश्न का माहौल देखने को मिला। टैंकों पर चढ़कर विद्रोही जश्न मनाते दिखे। पूरे देश में अब विद्रोही असद के पोस्टर जला रहे हैं या उन्हें उखाड़ कर फेंक रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि देश में असद का 24 साल का शासन खत्म हो चुका है। हालांकि क्या इस तख्तापलट के बाद सीरिया में शांति लौटेगी या फिर यहां फिर से ISIS अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों का गढ़ मजबूत हो जाएगा, विद्रोही खुद अपनी सरकार बनाएंगे या इनके समर्थन से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। बहुत से लोग सीरिया में बशर अल असद के शासन का अंत देखकर खुश हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि HTS की जड़ें अलकायदा से जुड़ी है और उनका अतीत काफी हिंसक रहा है। हालांकि ये गुट पिछले कुछ साल से खुद को एक राष्ट्रवादी ताकत के रूप में दिखाने में कामयाब रहा है, लेकिन कई लोग इससे सहमत नहीं हैं और आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सत्ता परिवर्तन से शासन के टॉप पर एक खाली पन आ सकता है, जिसकी वजह से अराजकता और इससे कहीं ज्यादा हिंसा शुरू हो सकती है।